हे गाइस गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस पांडे व्लॉग्स पर। तो गाइस अभी जो है शाम के 6 बज रहे हैं। अभी ऊपर से आई हूँ मैं नीचे, और मैं सोच रही थी क्यों ना आपको जो है मैं डेली मॉर्निंग का ही व्लॉग दिखाती हूँ, आज जो है इवनिंग का व्लॉग दिखाऊंगी आपको, और इवनिंग में मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ सब दिखाऊंगी। तो गाइज अभी फिलहाल वैष्णवी सो के उठी है, इसका फिर से रूटीन यही बन गया है 6 बजे वो सो के उठ जाती है। अभी ऊपर से नीचे आई हूँ और आती आज बननी थी मूली की भुज्जी, तो थोड़ा लेट हो गई थी मैं नीचे आने में क्योंकि वैष्णवी सो के उठी थी। तो गाइज मूली आई थी बहुत सारी, तो मूली के लिए जो है अचार के लिए मूली काट दिया मम्मी ने। सुबह को इसे रचाएंगे, रात को रचा कर रख देंगे, सुबह को धूप में सुखा देंगे, सुबह से बनेंगे मूली के पराठे। तो बुआ जी अभी जो है घिस कर रख रही है मूली, क्योंकि जिस वजह से मूली ठंडी हो जाती है। यहाँ रखी है मूली की भुज्जी, जो मूली के पत्तों की भुज्जी बनेगी, और बर्तन रखे, बर्तन अभी साफ करूंगी। और वैष्णवी खेल रही है मम्मी के साथ में, मम्मी इतने वर्ष वैष्णवी को रखेगी इतने मैं जो है खाना बनाऊंगी। पपीते काट के दिए अभी मैंने, अभी पपीते काट के दिए मैंने मम्मी को, तो वैष्णवी खिला रही है पपीते। देखो भाई अब इसे बोलना सिखाओ, राधे राधे बोलना सिखाओ मैडम को। तो गाइस अब जल्दी से बर्तन साफ कर लेती हूँ और खाने की तैयारी कर लेती हूँ। मूली में जो है नमक डाल के रख देती हूँ चाके, है ना, इसे तो इसमें रखी रहने दो, और सुबह को निचोड़ निचोड़ कर रख देंगे बुआजी। हाँ ये तो पराठा है, सही कह रही बुआजी, हमें तो भूल ही गई थी जी। कोई बड़ा बस नहीं बदलता। हाँ ले जा रही हूँ, तो बड़े भिगोने में इसमें मैं डाल देती हूँ नमक का, क्योंकि इन्हें रचा कर रखनी है ना, रचा कर रखने के बाद इसमें फैल देगा नमक मिल जाएगा, उसमें को जो है दूध में डाल देंगी, 3 चम्मच डाल दूंगी, कुछ जब गला तब गले क्या होगा जब गलेगा, 4 3 चम्मच मसा, 1 चम्मच और डाल लूँ डाल देंगे। ये देखिए गोरा को गोद में हाथ पकड़ के, चलो 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 पकड़ो 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 भाई पकड़ो पकड़ो। ये भी तो पैदल पैदल नहीं घूम रही, माँ जी के साथ ही घूमना बेटी को, ताई जी के पास जाना, ताई जी के पास इसके अब खड़े पानी निकल रहा था जो खाम के कारण, हाथ पकड़ो। अब आप कार छोड़ो, ताई जी का पकड़ लिया, मेरी गोरा 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 की देखे, ये मेरी गोरा है, ये मेरी गोरा है, गोरा ये गोरा पार्वती है। अच्छा हाँ, तो भाई भुज्जी हो चुकी है और इसमें सालू निकालूंगी और उससे जो है निचोड़ के छेद छोपूंगी तरीके से गलगी। शाम की एक कप चाय बोलिए, सभी सबके नाम के एक कप चाय और बनाती हूँ मैं जल्दी से। और अब जो है जल्दी से भुज्जी छोक देती हूँ, शाम के खाने की तैयारी करनी है, 7 बज चुके हैं, लेट हो चुके हैं। मम्मी कहती मैं छोकू, मैं अपना आप छोक लूंगी, मैं इसने भी को पकड़ो भाई, इसे पकड़ने सबसे ज्यादा जरूरी है, बूढ़े के पापा भी आने वाले हैं। मैं अपना छोक दे मिक्सर में भेज दूंगी, मैं इसको नहीं मम्मी सासू मम्मी कितनी अच्छी है, हेल्प करती है हमारी पूरी, छोकने को। चलो तो गाइस फाइनली डिसीजन हुआ है कि
ये मम्मी छोकेगी, इन्हें तो माफी रख दो, ये मन जाएगा। साबुत लाल मिर्च भी गिर दी। अच्छा साबुत लाल मिर्च भी गिर दी, उनके नाम भी गिर दियो जी, उन्हें खा दी। कड़ी का ही नाम जो कड़ी में लाल मिर्च पड़ेगी, साबुत मुझे पता करती वो खाओगे। एक काम करो सिर्फ उनके उनके नाम भी डाल दो ना, साबुत तो डलनी वे निकाल लेगी फिर बाद में अपनी, ठीक है। चलो गाइस अब मम्मी छोकेगी सब, वो भुजी जो है मम्मी छोकेगी, डिसीजन मम्मी का होगा छोकने का। और इतने में कब तक जाएंगे दोनों को देखते हुए, देखते बोल से खेल रहे हैं दोनों। अब ऐसे नहीं पकड़ने जाएंगे दोनों, दोनों भाई बहन लगे हुए हैं। या तो ऊपर जाएगी, देखिए तो सब बोलते हैं किसी ना किसी को पकड़ना पड़ेगा क्योंकि सिद्धा ना ऊपर लगती है। कहाँ जा रही मैडम? वही मेरी रानी। तो गाइस लगा दिया किसी काम में, बहुत दंगा करने लगा था तो अब इस गेम में लग रहेगा। ये बॉल जो है पिटी पर मारनी है, साइड में लगी। तो गाइस बूढ़े के पापा आ चुके हैं और ये खोल इन्हें पहले बाइक पे तो घुमा दो, सुबह नहीं घुमाया था आपने। ठंडोरी बट्टा चली ठंडी मार। टप्पो का कैप का है, पापा वैशु पापा की लाड़ लग कर लो, पापा की लाड़ कर लो। कैसे करोगे पापा की लाड़? चार बंद कर दो, रात के टाइम नहीं बजाया करती गायत्री मंत्र, बंद कर दे। लड्डू पापा लड्डू, इसका चेहरा देखो कितना गंदा हो रहा है, कर दे लाड। पापा लड्डू लग गया। दादू कहाँ जा रहे? वहाँ से। सो गाइस क्लिक से आ चुका था कपड़े चेंज किए, गुड नाइट चाहिए, खेल दिया। इतने किताब रखे दोनों ने, विधान ने उसने पूरा सोच रख रखा है उन्होंने भाई, नीचे चप्पल भी इतना नीचे आ जा दादी होगी। क्या हुआ? ये तो दादी आई, ये तो दादी भाई। क्या हो गया? ये तो पोपट बन गया तेरा, तो तेरा तो पोपट बन गया। बोल रहा फेंक दूंगा मैं आज से तीन गाली भी नहीं। नहीं बस तो फिर कल ग्रुप में, कल को ग्रुप में गुरुकुल में, कल को गुरुकुल में क्यों टाइम से नहीं? बैग पैक कर दे, गुरुकुल भेज दूंगा तो पहले होना है। मम्मी का बुलानी बुझी बोलेगी अभी तो हम 21 दिन तक रिजल्ट नहीं पा सकते। मैं नहीं गिन रही, मैं बड़ी खुश हूँ भाई, लसन प्याज नहीं खाया जा रहा। मैं तो चावल बहुत अच्छा लगा है। चावल अभी जो है खाना बनाने से पहले फिर से बर्तन हो गए, तो यही होता है, इतना और काम होता है फिर और बर्तन हो जाते हैं। अब फिर ये बर्तन मांग लेंगे। तो भाई ये होता है कि मतलब बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, मैं धीरे धीरे मांजती रहती हूँ, मुझे मतलब अच्छे नहीं लगते बर्तन रखे हुए, दम दम मांजती रहती हूँ मैं, तो फिर से बर्तन मांजती हूँ, फिर संती हूँ आटा और बनाती हूँ रोटी। कैसे रहेगी? दूध आ चुका है हमारा, अब लेंगे दूध। पापा जी
गया था कि उनके लिए कर लेती हूँ गर्म पानी, और आपको सन्ने के लिए भी कर लेती हूँ गर्म पानी। आंवले का मुरब्बा खाने से ये सब दिन कम जो रोज इसका वो भी ठीक रहता है। अच्छा, आंखें भी ठीक रहती है। अच्छा, वो आंवले का मुरब्बा बहुत अच्छी, इसके वो भी खाओ, मतलब चटनी भी बना के खाओ वो भी अच्छी रहती है। चटनी खवा दो, चटनी खाइयो। और ना तू एक रोज लेके आइए, उबाल का है, उबाल गैस दियो तो चार बड़े गिरा दो, चार गिरा गिरूंगी जब खाऊंगी ना, जब भी रखूंगी थोड़ा सा कर दिया चार बढ़ूंगी। दादू को जया करो, चलो चलो बात के बात को पूरा बब्बा बन रहे मेथी के पराठे खाएंगे। बस अब जो है भुज्जी की मूली भुज्जी का चटनी, इसे जो पराठे खाने जो है पराठे खा लो, और जिसे खली भुज्जी खा ली रोटी के साथ में रोटी खा लो। रोटी लो बाहर अब को आगे रोटी के पराठा आयो मारा पानी हो चले बच्चे से बड़ा विधान पराठा खा ले गरम गरम विधान में खा के रोटी पड़ेगी अच्छा रोटी नहीं बनानी अपनी जवाब देगा नहीं नहीं तो की साथ अपनी जानू साथ गया बाहर गई के साथ गई वैष्णव भी पिटरा बेचारा रोटी खत्ता खत्ता बेचारा एक लंबा पिटरा रोटी खत्ते खत्ते कर लगी पिटाई रोटी। हाँ तो आप खा लो, नहीं नहीं मैं तो एक ही खाऊंगी बस एक ही तो दे रही पिटम पराठा दस कर दे रही इसमें खा लो ना एक ही तो पराठा दे रही हो देख लो दो पराठे खाओगे अभी रखा कालाया गंदा गंदा कालाया बस बर्तन 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 साफ थोड़े पहले ये रसोई है रसोई रसोई में कोई बर्तन सिंक खाली नहीं रह सकती है। बर्तन अच्छा है खाना बस हो गया खाना फिर खा लेंगे नौ बजने वाले मुझे खाना नहीं खाए अभी तक तो गाइस तो मिलते आते हैं थोड़ी देर में या नहीं लोग में अभी के लिए पूरे दिन का वो लोग बना रही है इवनिंग व्लॉग ओके तो पूरे दिन में क्या क्या कराया इवनिंग व्लॉग इवनिंग व्लॉग शाम को मैं क्या क्या करूँ क्या क्या होता है शाम को हमारे घर में क्योंकि आज तक ना मैं सिर्फ ना मॉर्निंग का ही ब्लॉग बनाया छह बजे से पहले पहले डाल थी मैं तो शाम का नहीं तो पता ना शाम को क्या होगा क्या नहीं होता ये तो दिखा रहेगा ना और कमेंट करके बताएंगे और क्या क्या करना और क्या क्या दिखा रहा है मैं कमेंट करके बता दूंगा क्या क्या करें जैसे कि प्रैंक हो गया या कंपटीशन हो गया या हमारी पागलपंती हो गई क्या कर रहे क्या कर रहा इसको बैग पैक कर दिया नहीं मैंने विधान का कर दिया बैग पैक जबरदस्ती ना सारे जाओ जी जबरदस्ती जबरदस्ती डांस चुप नीचे बैठ नीचे नीचे बैठ सिट डाउन नीचे बैठ सोना बैठ नीचे डाउन हो जाओ बेटा बैठ नीचे नीचे बैठ पैंट मुड़ रही इसकी यहाँ बैठ चुप कैसे बात मार करूँगा ऐसे बैठ ऐसे अबे ऐसे बैठो ऐसे ये वाला
इधर पकड़ो पकड़ो क्या कर भाई ताऊ जी अभी नीचे से काम खत्म करके अभी ऊपर आई हूँ, बस दिया जलाना रह गया, आज थोड़ा लेट हो गया दिया जलाने में, तो खाना लेकर आई हूँ, खाएंगे खाना उसके बाद जो है उसके साथ मस्ती होएगी, फुल ऑन मस्ती होती है इसकी बहुत ज्यादा। चल तो गाइस खाना खा लेते हैं। तो गाइस खाना खाना तो हुआ नहीं है हमारा, एक रूटीन हो रहा है हमारा शाम का खाना खाने से पहले का, वो भी आपको बता देते हैं हम। हमारी मैडम जी को पोटी करना, खाना खाने के टाइम तो पोटी जरूर करती है, शाम की रूटीन में आ रहा है हमारा, ये देख लो इसकी पैंट भी धोनी पोटी वाली और खाना भी खा रहे थोड़े पहले तो उसकी पोटी लेके जा रहे हैं, बहुत हेल्प करते हैं सच्ची में। चले तो गाइस अब जो कर लेती हूँ साफ, रोटी भी नहीं खान देती तो हमें चलो डायपर पहना दिया डायपर, चलो चलो गुड्डो पीछे हो, चलो चलो बेटा मम्मी मम्मी को क्यों देखा रही, अरे थोड़ी देर खेल लेगी फिर चलो ऊपर। हाँ देव उसमें हम खाना भी खा लेंगे गाइस, चल जाएगी पजामे फट रही इसके नीचे से, ठीक है गाइस फिलहाल तो नीचे छोड़ गए, कल को लगानी है वॉशिंग मशीन, सुबह को जल्दी उठना पड़ेगा। और चलिए तो अब जो है खाना खा लेते हैं। A few moments later. तो गाइस फिलहाल रात के जो है 10 बज रहे हैं और वैष्णव भी सो चुके हैं, मम्मी जी ने वैष्णव को सुला दिया और नीचे सभी भी आई है, खाना भी हमने खा चुके हैं। और गाइस सुबह को कपड़े धोने हैं तो सुबह की तैयारी जो अभी कर रही हूँ, क्योंकि फिर सुबह को वैष्णव भी नहीं उठने देती मुझे बिल्कुल भी, और इसके पास लेटर रहना पड़ता है वरना ये भी उठ कर चल लेती है। और तो फिलहाल तो मैंने जो है कपड़े निकाल कर रखे, ये कपड़े धुलेंगे और इन्हें फोल्ड करना, अब तक ये फोल्ड भी नहीं है, ये वाले कपड़े धुलने हैं। और वॉशिंग मशीन में पानी अभी भर के रख दूंगी क्योंकि फिर से सिर्फ धोना धोना रह जाएगा। अब मैं इस व्लॉग को करती हूँ यहाँ पर ही एंड, तो जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियो को लाइक करना, और गाइस मैंने डांस वीडियो डाल रहे हैं हम देखना आप तो, और अगर आपको अच्छी लगेगी ना तो आप बताना कमेंट करके, मैं हम ना और वीडियो डाल लेंगे डांस की, और कैसा लगा डांस हमारा डांस कैसा लगा वो भी बताना जरूर, ठीक है। चल तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना आपको आज का व्लॉग लगा कैसा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय टाटा जय माता दी राधे राधे।